बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। खरगोन जिले के ग्राम घुघरिया खेड़ी में अमर शहीद लांस नायक राजेंद्र यादव की 20वीं पुण्यतिथि पर जिला कलेक्टर और विधायक रवि जोशी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कारगिल युद्ध के दौरान भारत पाक की लड़ाई में ग्रेनेडियर के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए प्राण आहुत कर देश की सीमाओं की रक्षा की थी। श्रीलंका में सेना के कई ऑपरेशंस में शामिल हुए। चीनी भाषा का कोर्स भी प्राप्त किया था। समझौते के आधार पर सेना की चौकियों पर सर्दियों में वापस आते थे। तब पाकिस्तान ने अपनी हड़प नीति से चौकियों पर कब्जा कर लिया था। 15,000 फीट की टोमोलिंग चोटी पर 30 मई को मिशन दिया गया था। -6 डिग्री तापमान पर दुश्मन लॉन्ग रेंज गन से मारने में सक्षम थे। वहीं से सेना ने सामना किया। युद्ध का टर्निंग पॉइंट था जिसमें राजेंद्र सिंह ने 5 दुश्मनों को मारने में कामयाबी पाई। इसी दौरान 2 गोलियां शरीर पर, एक सीने में और दूसरी कंधे में लगी और वीर गति को प्राप्त हुए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सुबह से भूतपूर्व अधिकारी सैनिक कल्याण समिति के द्वारा सलामी धर्म सभा का आयोजन और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सब लोग एकत्रित हुए। स्मारक स्वस्थान के भी लोग एकत्रित हुए। आज शहीद राजेंद्र यादव जी को सबसे पहले पूर्व सैनिक अधिकारियों की टुकड़ी के द्वारा, उनके पूरी टीम के द्वारा सलामी दी गई। उसके बाद अलग अलग धर्मों के गुरुओं के द्वारा अपनी ओर से उनके लिए प्रार्थना की। उसके बाद तमाम सब लोग जो आए थे उन्होंने अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज शाम को भी स्मारक स्वस्थान के द्वारा दिन में भी और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज दिन भर इस स्थान पर श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कई लोग खरगोन जिले और खरगोन जिले के बाहर से भी लोग दिन भर आते रहे। स्मारक को भव्य बनाने की बात कही। मैंने आज अपने उद्बोधन में यही बोला कि हम स्मारक स्वस्थान के जो तमाम सदस्य हैं उनसे निवेदन करेंगे कि इस स्मारक को इतना भव्य बनाए, इधर से गुजरने वाला चाहे उसके पास पुष्प न हो, लेकिन श्रद्धा के साथ भाई शहीद राजन यादव जी के समक्ष अपना सिर जरूर झुकाए और अपनी वाहन रोक कर 2 मिनट का समय इस स्मारक को देखेंगे। मैं तो नहीं देखा, मैं वहाँ नहीं था, पर जो हिस्ट्री हुआ और हिस्ट्री से जो पता पड़ता है उसके हिसाब से ये 30 मई 1999 की घटना थी। और जैसा आप लोगों को पता है कि 99 में कारगिल युद्ध शुरू हुआ था, जो हमारे पड़ोसी देश के नापाक इरादों का नतीजा था। और कारगिल क्षेत्र में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, 1000 फीट ऊंची पहाड़ियां हैं, और बहुत ही दुर्गम स्थान है जो हमारे हिंदुस्तान की सीमा में आता है, और पहाड़ों के उस तरफ जो है वो पाकिस्तान की सीमा आ जाती है। तो उन पहाड़ियों की चोटियों पे जो सैनिक बंकर हैं और चौकियां हैं उस पे सर्दियों के टाइम पे जब वहाँ से सेना को हटा लिया जाता है तो वो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करके उन बंकरों को, सैनिक चौकियों को कब्जा कर लिया था और रिइंफोर्स कर लिया। तो जब पता पड़ा तो सेना ने उन चौकियों को वापस हासिल करने के लिए प्रयास शुरू किए, परंतु दुर्गमता इतनी थी और ये पहाड़ियाँ इतनी ऊँची थी और किसी भी प्रकार का कोई वहाँ पे छुपने का या ऐसा कोई स्थान नहीं था कि कोई भी कोशिश होती थी तो दुश्मनों की नज़र में आती थी। और वो स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छी जगह पे थे तो वो वहाँ से सीधे, उनकी लॉन्ग रेंज गन्स थी उनके पास, तो वो कोई भी टुकड़ी ऊपर चढ़ती थी तो वो उसको असफल कर देते। सर 15,000 की ऊंचाई पर युद्ध कितना कठिन होता है? देखिए, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 15,000 फीट की ऊंचाई पे एकदम खड़ी चढ़ाड़ी पहाड़ी पे चढ़ना है और उस पूरी चोटियों में तोलोलिंग की चोटी सबसे खतरनाक साबित हो रही थी, तो उस पे एक कब्जा करना बहुत ज़रूरी था कि उस पे कब्जा हो जाता तो फिर बाकी चोटियों पे कब्जा थोड़ा सा आसान हो जाता। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि एक स्पेशल टुकड़ी इस ऑपरेशन को मदद देगी और ये जिम्मा ग्रेनेडियर रेजिमेंट को दिया गया।